हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एनिमल किंगडम चैप्टर से। नीट एग्ज़ाम में पिछले सालों में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, इस वीडियो में हम नीट 2020 से लेकर नीट 2013 तक के सारे क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को भी बताया गया है जिस साल नीट दो बार हुआ है। कहने का मतलब, जैसे नीट 2020 में कोरोना की वजह से री एग्ज़ाम हुआ था, तो ऐसे भी सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। चलिए हम अपने क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया था और इस क्वेश्चंस में बोला गया है कि इनमें से वो कौन से एनिमल्स हैं जिनकी सिमेट्री बाइलेटरल है और एसिलोमेट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। अगर हम NCERT में बात करें तो NCERT में पेज नंबर 60 पर एक टेबल दे रखी है, टेबल 4.2। अगर आप उस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आप हर साल कम से कम दो क्वेश्चन जरूर सही कर लेंगे नीट एग्जाम में। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। इस क्वेश्चन में मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको NCERT में अलग अलग पेजेस पर जाना होगा। जैसे पेज नंबर 53 पर आपको ये जो आर्थ्रोपोडा दे रखा है उसके जो एग्जांपल्स हैं उसमें दे रखा है ग्रीगेरियस पेस्ट लोकस्टा। इसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये जो लाइन है ये है इकाइनोडर्मेटा की, और इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है एस्टीरियास। एस्टीरियास को हम क्या बोलते हैं, स्टारफिश। ये आपको पेज नंबर 54 पर इकाइनोडर्म्स में मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है बुकलंग्स। जो बुकलंग्स होते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं, और यहाँ पर आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल दे रखा है स्कॉर्पियन। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर्थ्रोपोडा के अंदर और कौन कौन से होते हैं, गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स तो इसमें है ही, साथ में ट्रेकियल सिस्टम भी होता है। लास्ट है हमारा बायोलुमिनेसेंस। तो बायोलुमिनेसेंस कौन शो करते हैं, टीनोफोरा के मेंबर्स शो करते हैं, और यहाँ पे एग्जांपल टीनोफोरा का टीनोप्लाना। तो इस तरीके से अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन में आपको ट्रू स्टेटमेंट बताने हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको NCERT में पेज नंबर 55 पर जाना पड़ेगा। पेज नंबर 55 पर जो फाइलम कॉर्डेटा का पैराग्राफ है उनमें आपको ये देखने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, ये बात गलत है क्योंकि NCERT में क्लियरली लिखा हुआ है इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। मतलब जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, यूरोकॉर्डेटा वर्ग के मेंबर्स में, लार्वल टेल में। तो यह बात हो गई गलत। बी ऑप्शन है इन वर्टिब्राटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, ये बात बिल्कुल सही है, इसी पेज नंबर पर लिखा हुआ है ये क्लियरली, वर्टिब्राटा पजेसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो ये बात सही है। सी ऑप्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड होलो। तो इसी पेज नंबर पर एक टेबल दे रखी है, 55 पेज नंबर पर टेबल 4.1, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल होलो एंड सिंगल। ठीक है, तो ये बात भी सही है। इसके बाद डी है कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू 3 सब फाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकाटा एंड इसी पेज नंबर पर यह दिया गया है कि कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू 3 सब फाइला। तो एक दे रखा है इन्होंने ट्यूनिकाटा, एक दे रखा है सेफेलोकॉर्डेटा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, हेमिकॉर्डेटा, इसकी जगह दे रखा है उन्होंने यूरोकॉर्डेटा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा बी और सी वाला। कहने का मतलब है आपका आंसर हो गया आंसर नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। इस क्वेश्चन में भी आपको मैच कराए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 56 पर, जहाँ पर आपको क्लास साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डिक्टीज, ऑस्टिक्थीज ये दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट, तो इसका आंसर हो जाएगा साइक्लोस्टोम्स। NCERT में पेज नंबर 56 पर जो ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रखा है तो वो वहाँ पर ये लिखा हुआ है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट। इसके बाद तीसरे नंबर का देखते हैं एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर किस में होता है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑस्टिक्थीज। जब आप पेज नंबर 57 पर देखेंगे ऑस्टिक्थीज में, तो वहाँ भी ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रखा है। अगला ऑप्शन है पॉइजन स्टिंग, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी जो है 57 पेज नंबर पर कॉन्डिक्थीज के अंदर ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रखा है। इसके बाद हेटो सर्कल कॉडल फिन बचा, तो ये हो जाएगा कॉन्डिक्थीज का। इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई। इसमें भी मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया है, और ये जो क्वेश्चन है नीट 2020 में जो री एग्जाम हुआ था कोरोना की वजह से, उस पेपर का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जो फाइलम के एग्जाम्पल्स हैं उनका कॉमन नेम और उनका जो जूलॉजिकल नेम है उसके बारे में
उन्होंने दे रखा है, तो बस इसको मैच कराना है। तो पहला है एप्टेनोडाइट्स, तो ये नाम किसका होता है, पेंगुइन का। दूसरा है टेरोपस, टेरोपस बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स को। टेरोफाइलम बोलते हैं एंजल फिश को, और पेट्रोमाइजोन बोलते हैं लैम्प्रे को। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 56 पर, पेज नंबर 60 पर, पेज नंबर 57 पर और पेज नंबर 56 पर जाना पड़ेगा, वहां से आपको ये मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी वाला। अगर आप मैच करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ। इस क्वेश्चन में भी आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया है। यहाँ पे क्या है कि आपको करेक्टरिस्टिक फीचर दे रखे हैं और एक तरफ जो है फाइलम के नेम दे रखे हैं, तो आपको ये मैच कराना है। ऑप्शन है प्लेटी हेलमेंथिस, तो इसका मैच हो जाएगा नंबर थ्री वाले से, वाइलेटल सिमेट्री विद इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जब आप इसको एनसीईआरटी में पेज नंबर 60 पर जाकर टेबल को देखेंगे, जिससे मैं बार बार कह रहा हूँ हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा। है इकाइनोडर्म्स, तो इकाइनोडर्म रेडियल सिमेट्री विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इस ऑप्शन के लिए जब आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 54 पर जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको वहां से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हेमिकॉर्डेट्स, तो हेमिकॉर्डेट्स वाले का एनसीईआरटी में आपको मिलेगा पेज नंबर 54 पर मिलेगा। सिलेंड्रिकल बॉडी विद नो सेगमेंटेशन। इसके बाद लास्ट है एप्स वाला। ये जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स में आपको मालूम है डायरेक्ट डेवलपमेंट हो, ये जो एप्स वाला है ये आपको ऑप्शन मिलेगा पेज नंबर 59 पर। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बोला गया है कि सभी के सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स क्यों नहीं होते? तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 55 पर जाना पड़ेगा। वहां पर क्लियरली लास्ट पैराग्राफ में ये लाइन दे रखी है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट ऑफ सम कॉर्डेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आई। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा सबसे पहले आंसर को देखा करिए। आंसर में आप देखिए 3 जगह एनिलिडा है, 3 जगह ही आर्थ्रोपोडा है, 3 जगह ही मोलस्का है और 3 जगह ही कॉर्डेटा है। इसका मतलब जो ऊपर करेक्टर जो फीचर दिए गए हैं, अगर किसी एक फाइलम से कोई भी एक करेक्टर मैच नहीं होता तो फिर हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे है, जैसे देखिए सारे के सारे फाइलम जो दे रखे हैं इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सही बात है। एक दे रखा है ट्रू सिलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। देखिए सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी जो है किस में नहीं पाई जाती, मोलस्का के मेंबर में नहीं पाई जाती, क्योंकि मोलस्का के जो मेंबर होते हैं उनमें हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प पाया जाता है। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ ऑप्शन में मोलस्का दे रखा है वो आंसर हमारे गलत हो जाते हैं, और जहाँ पर मोलस्का नहीं दे रखा है वो आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए कितनी जल्दी इस क्वेश्चन का हमें आंसर पता लग गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन देख कर ही टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जे। इसमें में आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपको पायला, तो पायला बोलते हैं एप्पल स्नेल को, और पायला की बक्कल कैविटी में रेस्पिंग ऑर्गन्स जिनको हम रेडुला बोलते हैं वो होते हैं प्रेजेंट, और क्या चीज प्रेजेंट होती है, ट्रांसवर्स रो होती है दांतों की। ये दोनों चीजें किस चीज में हेल्प करती है, इनको कटिंग ग्रास, घास को काटने में, ठीक है। तो पायला का आंसर हो जाएगा रेस्पिंग ऑर्गन क्या है इनका, रेडुला। दूसरा है बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स किसको बोला जाता है, सिल्क मॉथ को, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, और वो काम किस में आते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह। तो वॉम्बिक्स का आंसर हो जाएगा मेलपिगियन ट्यूब्यूल। तीसरा है प्लूरोब्रांचिया। प्लूरोब्रांचिया क्या है, एक टीनोफोर है जिसमें 8 सिलियरी प्लेट्स होती हैं जिनको हम कॉम्ब प्लेट बोलते हैं, और ये आपको इजीली मिल जाएगा जहां पर फाइलम टीनोफोरा दिया हुआ है वहां पर। टीनिया क्या है, टीनिया एक प्लेटी हेलमिंथ है, और इसमें फ्लेम सेल्स होती हैं। फ्लेम सेल्स किस चीज़ के काम में आती हैं, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में भी आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया है, और इस क्वेश्चन में जो फाइलम के एग्जांपल्स दे रखे हैं ये एनसीईआरटी से ही हैं सारे के सारे। तो पहला ऑफ्यूरा है, ऑफ्यूरा बोला जाता है ब्रिटिल स्टार को, और ये मिलता है इकाइनोडर्मेटा में। दूसरा है फाइसेलिया, ये आपको मिलेगा सीलनट्रेटा में, इसको बोला जाता है फाइसेलिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। तीसरा है पिंक टेडा, और पिंक टेडा बोला जाता है पल ओयस्टर को, और ये आता है मोलस्का में। इसके बाद लास्ट है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आपको मिलेगा प्लेटी हेलमेंथ के अंदर, और ये जो होती है इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। तो इस तरीके से जब हम मैच करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एल। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन से फाइलम के वो सारे के सारे एनिमल्स हैं जिनमें ट्रूसीलोम होता है,
जो ट्रू सीलोमेट होते हैं और वाइलेटल सिमेट्री होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आप फिर से पेज नंबर 60 पर जो टेबल 4.2 दे रखी है वहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये नीट 2018 में आया था। आपको मालूम है कि हम नीट 2020 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चंस की काउंटिंग ABCD से रखते हैं, अल्फ़ाबेट से रखते हैं, और नीट 2018 से लेकर बाकी बैक के सभी क्वेश्चंस की अकाउंटिंग हम 1, 2, 3 से रखते हैं। नीट 2018 का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एनिमल मेटामॉर्फोसिस में नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, अर्थवर्म। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ये भी नीट 2018 में आया था और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्टिब्रेट का ग्रुप जिसमें सभी के सभी एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप और गिजार्ड पाई जाती हो, वो कौन से एनिमल्स हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो वर्ड्स की एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है कि उनकी एलिमेंट्री कैनाल में क्रॉप और गिजार्ड भी पाए जाते हैं। और क्रॉप किस काम में आता है, वो फूड को थोड़ा सा सॉफ्ट करता है और स्टोर करके रखता है, जबकि गिजार्ड का काम क्या होता है, वो फूड को क्रश करता है और चर्निंग करता है फूड की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से पूछा गया है कौन सा एनिमल है जो होम्योथर्म शो नहीं करता। होम्योथर्म बोला जाता है अपने अंदर के बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट बनाए रखना। जैसे मान लो बाहर की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कहने का मतलब है कह दो गर्मी ज़्यादा हो गई, या कह दो टेम्परेचर बहुत कम हो गया, एकदम से ठंडी हो गई, ठंडा टेम्परेचर हो गया, लेकिन अपने अंदर की बॉडी का जो एनवायरनमेंट है या कहने का मतलब टेम्परेचर है उसको कॉन्स्टेंट बनाए रखना। जैसे हमारा लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है बॉडी का, तो अगर बाहर ठंड भी हो जाएगी तब भी हमारी बॉडी अपने इसी टेम्परेचर को बनाए रखती है बाय द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसी को बोला जाता है होम्योथर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चीलोन। चीलोन किसको बोलते हैं, टर्टल को बोलते हैं। और टर्टल किस में आता है, रेप्टिलिया में आता है, क्लास रेप्टिलिया में आता है। और रेप्टिलिया के मेंबर्स कैसे होते हैं, पोइक्लोथर्मिक होते हैं, कहने का मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हेमिकॉर्डेट्स के मेंबर होते हैं वो कौन सा करेक्टर ऐसा होता है जो शेयर करते हैं कॉर्डेट के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फेरिंग्स विद गिल स्लिट, आंसर नंबर वी। तो क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो गिल स्लिट है वो हेमिकॉर्डेट्स में पाई जाती है डॉर्सल पोजीशन में, और जबकि कॉर्डेट के बारे में बात करेंगे तो कॉर्डेट्स में पाई जाती है ये लेटरल पोजीशन में, दोनों के दोनों में पाई जाती है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है एक्वेटिक मैमल्स का। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन में देखा करिए। सबसे पहले वाले में देखिए डॉल्फिन्स, सील्स एंड ट्राइगन। ट्राइगन क्या होता है, कार्टिलेजनस फिश होती है। ठीक है, इसके बाद व्हेल, डॉल्फिन, सील, ये तीनों एक बार को सही हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन, इस ऑप्शन में भी ट्राइगन है, और ट्राइगन क्या है, एक कार्टिलेजनस फिश है। इसके बाद देखिए लास्ट वाले में सार्क है, सार्क भी एक कार्टिलेजनस फिश है। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों मैमल्स में नहीं आते, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, पहला भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, और आंसर नंबर वी सही हो जाएगा। ये तीनों के तीनों क्या है, एक्वेटिक मैमल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हॉर्स का ऑर्डर पूछा गया है। नीट एग्जाम के लिए आप हॉर्स की आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर वगैरह सब। तो हॉर्स का साइंटिफिक नेम जो होता है वो है इक्वस फेरस, इक्वस और फेरस, FERUS, और केवलस। तो देखिए ऑप्शन में जो केवलस दिया है वो क्या हो जाएगा, इसका सब स्पेसीज। फेरस क्या है, इसकी स्पेसीज, और इक्यूडेई क्या है, इसकी फैमिली, और इसका ये इक्वस क्या हो गया, इसका जीनस, इसकी फैमिली क्या हो गई, इक्यूडेई। ऑर्डर इसका क्या है, पेरिसोडेक्टाइला, और इसका क्लास क्या है, मेमेलिया, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, किंगडम क्या है, एनिमेलिया। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेरिसोडेक्टाइला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है कि जो पॉरीफेरा के मेंबर्स होते हैं उनमें जो स्पॉन्जोसील कैविटी होती है वो लाइंड होती है फ्लैजिलेटेड सेल्स, उन फ्लैजिलेटेड सेल्स को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी वाला, कोइनोसाइट्स। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और बोला गया है ऑल मैमल्स आर विविपेरस। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑर्निथोराइंकस और टैकीग्लॉसस जो होते हैं ओविपेरस मैमल्स होते हैं, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। तीसरा वाला ऑप्शन होता है ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3-chambered heart, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्रोकोडाइल में 4-chambered heart होता है। थर्ड ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी आपका गलत है, क्योंकि कार्टिलेजनस फिशेस में जो होती है ऑपरकुलम जो होता है कवर्ड नहीं होता एक्सेप्ट
काइमेरा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया स्टेटमेंट नंबर बी, साइक्लोस्ट्रोम डोंट पजेसेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला गया है कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो वर्ड और मेमल आपस में शेयर नहीं करते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, बीवी पैरिटी, क्योंकि सभी के सभी बर्ड जो होते हैं वो ओविपेरस होते हैं और मैमल्स क्या होते हैं बीवीपेरस होते हैं, एक्सेप्ट ऑर्निथोरैंकस एंड टैकीग्लॉसस जिसको इकिडना भी बोला जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है आपको करेक्ट मैच बताना है। तो पहला ऑप्शन है, इसमें बोला गया कि कॉर्डेटा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब में माउथ और अपर एंड लोअर जॉ होता है, लेकिन ऐसी ये गलत बात है क्योंकि कॉर्डेटा के अंदर जॉलेस वर्टिब्रेट होते हैं जिनको हम एग्नेथा बोलते हैं, और जॉ वाले भी वर्टिब्रेट होते हैं जिनको हम जी नेथोस्टोमेटा बोलते हैं। इस सेकंड ऑप्शन है रेप्टिलिया, इसमें बोला गया है कि जितने भी रेप्टिलिया के मेंबर होते हैं उनमें 3-chambered heart होता है, तो ये बात गलत है क्योंकि क्रोकोडाइल में क्या होता है 4-chambered heart होता है जिसमें 2 auricle होते हैं और 2 ventricle होते हैं। तो हमारा दूसरा वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ वाले ऑप्शन में देखिए बोला गया कि मेमेलिया के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो वीवीपेरस होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि प्लेटिपस और स्पाइनी एंटीटर ये ओवीपेरस मेमल्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 में, ये बोला गया है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स जो दे रखे हैं इनमें से कौन सा फीचर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, पैरापोडिया। ये जो पैरापोडिया है वो एनिलिडा के मेंबर्स में पाया जाता है। किस चीज़ के लिए पाया जाता है, ये 2 काम करता है, लोकोमोशन और रेस्पिरेशन। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में पैरापोडिया नहीं पाया जाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 की, इसमें मेटाजेनेसिस के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन जो है 2015 में एग्जाम कैंसिल हुआ था उसका है। ये क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा एंडोपैरासाइट है ह्यूमंस का जिसमें बीवी पैरिटी सो होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ट्राइसिनेला स्पाइरेलिस। सिनेला स्पाइरेलिस जो है वो एक नीमेटोड पैरासाइट होता है जो बीवी पैरिटी शो करता है, ठीक है। ये एग प्रोड्यूस नहीं करता, ये डायरेक्टली यंग को जन्म देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, ये 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसमें आया था, और इस क्वेश्चन का CBSE बोर्ड ने कोई भी आंसर नहीं दिया था। अगर हम इस क्वेश्चन का फिर भी आंसर देखेंगे तो हम आंसर नंबर ए लगाएंगे, लेकिन क्या है यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स में बोला गया है पेयर्ड अपेंडिजेस, जबकि साइक्लोस्टोमेटा में पेयर्ड अपेंडिजेस नहीं होते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला गया है कि बीवीपेरस कौन से एनिमल इनमें से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, प्लेटिपस, क्योंकि डग बिल्ड प्लेटिपस जो है वो अंडे देने वाला मैमल होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 की, ये भी 2015 में एग्जाम जो कैंसिल हो गया था उसमें आया था। इस क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एग्जोस्केलेटन, क्योंकि इंसेक्ट जो होती हैं उनमें जो एग्जोस्केलेटन होता है उनका क्यूटिकल का बना हुआ होता है जिस वजह से वो लैंड पर हर हैबिटेट में रह पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मैराइन और फ्रेश वाटर स्पेसीज कौन सा जो फाइलम है इनमें से शो करता है, कौन से फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं जो मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, कि निडेरियंस जो होते हैं, कहने का मतलब निडेरिया के अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर मैराइन वाटर में रहते हैं कुछ को छोड़ के, जैसे कि हाइड्रा क्या है फ्रेश वाटर में रहता है, और बाकी जितने भी बचे एकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा और सिफेलोकॉर्डेटा, ये सब के सब जितने भी होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निडेरिया, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन में बोला गया है कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें से जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो आपको मालूम है एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, और आंसर हो जाएगा आंसर नंबर वी, सी फैन गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया कौन से फाइलम में आता है, सीलेंट्रेटा के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21,
इस क्वेश्चन में बोला गया है प्लेनेरिया पजेजेस हाई कैपेसिटी ऑफ, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रीजनरेशन। ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 51 पर प्लेटी हेलमेंथ के अंदर एक लाइन दे रखी है, सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पजेजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें बोला गया है कि अ मेराइन कार्टिलेजनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करेंट इज, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर वी, टॉर्पीडो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैच करके बताना है कि कौन सा सही है। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई एंड सिल्वर फिश। सिल्वर फिश बोला जाता है लेपिस्मा को, और लेपिस्मा या सिल्वर फिश क्या एक इंसेक्ट है, तो इसका मतलब ये ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं जैसे स्पाइनी एंटीटर इकिडना है, स्पाइनी एंटीटर एक प्रोटोथेरियन मैमल है, तो इसका मतलब ये काइनोडर्मेटा में दिया, ये गलत हो गया। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, तीन ऑप्शन दे रखे हैं। सिल्वर फिश क्या है, लेपिस्मा होता है, ये क्या है एक इंसेक्ट है, तो ये गलत हो गया। सिल्वर फिश लेपिस्मा जो होती है वो आपको मालूम है वो आती है इंसेक्ट के अंदर। कटल फिश जो दे रखी है, कटल फिश किसको बोला जाता है, सेपिया को, ये एक मोलस्का में आती है। तीसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश एक्जोसीटस को बोलते हैं, ये एक बोनी फिश होती है, तो ये गलत हो गया सिल्वर फिश वाला। लास्ट है सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, तो सेंटीपीड जो होती है वो क्लास चिलोपोडा में आती है, मिलीपीड क्लास डिप्लोपोडा में आती है, और स्कॉर्पियन और स्पाइडर रह गए, ये आते हैं अरेक्निडा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर वन। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोला गया है सेम फाइलम में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, प्रॉन, स्कॉर्पियन और लोकस्टा, ये सब के सब फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो स्पॉन्ज जो होता है, स्पॉन्ज आता है पॉलीफेरा में, सी एनिमोन आता है सीलेंट्रेटा में, स्टारफिश जो आती है इकाइनोडर्मेटा में, तो ये ऑप्शन गलत। मलेरियल पैरासाइट और जो अमीबा है ये दोनों के दोनों आते हैं प्रोटोजोआ के अंदर, मॉस्किटो आता है आर्थ्रोपोडा के अंदर, अर्थवर्म आता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, अर्थवर्म आता है एनिलिडा के अंदर, पिनवर्म आता है एस्केलमेंथिस के अंदर, और टेपवर्म आता है प्लेटिवे हेलमेंथिस के अंदर, तो ये तीनों गलत हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट है और साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, सिल्वर फिश, जिसको हम लेपिस्मा बोलते हैं, ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है। अगर हम फ्लाइंग फिश को देखें और पफर फिश, फ्लाइंग फिश बोला जाता है एक्जोसीटस को, ये आती हैं पिसिस के अंदर, कहने का मतलब जो मछली वाली क्लास है। इसके बाद हम बात करते हैं कटल फिश की, कटल फिश बोला जाता है सेपिया को, सेपिया आता है मोलस्का के अंदर, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिल्वर फिश लेपिस्मा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन के बारे में बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्टरिस्टिक फीचर है रेप्टिलिया का, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली एनसीईआरटी में मिल जाएगा रेप्टाइल्स के अंदर जाकर। के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मींस, जिसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, टीनोफोरा। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है एनसीईआरटी में टीनोफोरा के लिए कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही उनमें सिर्फ और सिर्फ एक मेथड होता है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें एनिमल का नाम दे रखा है और उनका करेक्टरिस्टिक फीचर दे रखा है और उनका क्या दे रखा है, एक तरीके से फाइलम मान लो आप, वो दे रखा है, उनका टैक्सोन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, डक बिल्ड प्लेटिपस, ये ओविपेरस मैमल होता है। ठीक है, अब ये जो गलत वाले हैं, अगर हम देखते हैं मिलीपीड को, तो मिलीपीड जो होता है वो आता है क्लास डिप्लोपोडा के अंदर, सी एनिमोन जो होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है ना कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके अलावा देखते हैं सिल्वर फिश जिसको हम लेपिस्मा बोलते हैं, वो आता है आर्थ्रोपोडा के अंदर, कहने का मतलब है नॉन कॉर्डेट होता है, ये एक इंसेक्ट होता है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया आंसर नंबर डी, डकविल्ड प्लेटिपस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, सार्क एंड डॉग फिशेस डिफर फ्रॉम स्केट्स एंड रे विकॉस, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, देयर पेक्टोरल फिन डिस्टिंक्टली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम सिलेंड्रिकल बॉडीज।
तो इस तरीके से हमने नीट 2013 तक के इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2012 से लेकर 1988 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।